अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्पीसीज में कि हमारे पास एक डेटा है। हमने एक सर्वे कंडक्ट की या हमने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स हैं और हमने डेटा को अब एनालाइज करना है, तो उस पर हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करें। इधर पैरामेट्रिक टेस्ट शुड बी अप्लाइड और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट शुड बी अप्लाइड। तो ये देखने के लिए कि आया पैरामेट्रिक टेस्ट या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करना चाहिए, उससे पहले हमें यह देखना चाहिए कि हमारे डेटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसी है। आया हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे हम ने वो टेस्ट परफॉर्म करना है और हमने वो टेस्ट अप्लाई करना है, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ द डेटा। सो टू डिटरमिन नॉर्मेलिटी ऑफ द डेटा वी मस्ट हैव सम डेटा विच वी हैव कलेक्टेड ईदर फ्रॉम अ सर्वे और फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। सो नाउ वी वांट टू अप्लाई सर्टन टेस्ट, तो वो टेस्ट अप्लाई करने के लिए हम ये परफॉर्म करते हैं नॉर्मेलिटी टेस्ट। तो अब पैरामेट्रिक टेस्ट डिफरेंट है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट डिफरेंट है हमारे पास। तो जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उसमें पेयर सिंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट और एनोवा या काई स्क्वायर टेस्ट, ये टेस्ट हमारे पास पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। ये तब हम अप्लाई करते हैं जब हमारे पास जो डेटा होगी वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता बल्कि उसमें स्क्यूनेस होती है। तो ये चीज देखने के लिए मैंने एग्जांपल के तौर पर दो पैरामीटर्स या दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक है जेंडर और एक है एज। सो ये दो मेरे वेरिएबल्स हैं। डिपेंड अपॉन योर डेटा आपके जो वेरिएबल्स हैं वो ज्यादा भी हो सकते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात, डिपेंड अपॉन योर डेटा। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दो ली है। तो आइए देखते हैं कि हम अपने जो डेटा है जो कि एक जेंडर और एक एज, इसको देखते हैं कि आए ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो नॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए हम जाएंगे एनालिसिस में, स्पीसीज में, फिर हम जाएंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में हम जाएंगे फिर एक्सप्लोर में। एक्सप्लोर में एक विंडो ओपन होती है जिसमें हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये डिपेंडेंट लिस्ट और ये फैक्टर लिस्ट है। तो हम जाते हैं जेंडर और एज, इन दोनों को हमने डिपेंडेंट लिस्ट में ऐड किया, फिर स्टेटिस्टिक में जाएंगे। स्टेटिस्टिक में ये कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन है जो कि 95% है। तो आप 95% में देखना चाहते हैं या 99% पे देखना चाहते हैं या 90% पे देखना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे, फिर इसके बाद हम जाएंगे प्लॉट्स में। तो प्लॉट्स में हमें हिस्टोग्राम चाहिए, बिल्कुल चाहिए, हिस्टोग्राम हम क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद हम नॉर्मेलिटी प्लॉट्स को विद टेस्ट ये चेक करेंगे और इसको करेंगे कंटिन्यू। अब ये डेटा एनालाइज के बिल्कुल रेडी है, लेकिन इसमें एक और चीज है, यहां पर लिखा है बोथ। वी कैन से दैट इफ वी क्लिक ओनली स्टेटिस्टिक, सो सिर्फ और सिर्फ जो डेटा हमारे पास एनालाइज होगा वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटिस्टिक आएगी, प्लॉट्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ प्लॉट्स को क्लिक करते हैं तो हमारे पास पे स्टेटिस्टिक वैल्यूज नहीं आती हैं और सिर्फ प्लॉट्स आते हैं। तो इसलिए हमने इन दोनों को क्लिक करना है, बोथ और फिर ओके क्लिक करना है। तो ये हमारे पास डेटा एनालाइज हुई, हमारे पास ये टेबल्स हैं 1, 2 और ये 3 टेबल्स हैं और फिर ये हिस्टोग्राम्स हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे टेबल को हम इंटरप्रेट करते हैं। तो ये केस प्रोसेसिंग समरी जिसमें एज, जेंडर, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितने डेटा है हमारे पास, सिंपल साइज कितना है, 26 है और ये भी 26 है, मिसिंग में हमारे पास कोई भी वैल्यू मिसिंग में नहीं आ रही और ये इसका परसेंटेज है। अब ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इसका जानना बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मी, ठीक है,
फिर इसमें मीडियन है, वेरियंस है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, रेंज है, इंटरक्वार्टाइल रेंज है, और स्क्यूनिस और कर्टोसिस। तो इधर कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, हम स्क्यूनिस और कर्टोसिस को देखते हैं कि हमारा स्क्यूनिस और कर्टोसिस कैसा है। तो स्क्यूनिस और कर्टोसिस को देखने के लिए हमें निकालना होगा जेड स्कोर, और जेड स्कोर के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि आया हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। तो हमें जेड स्कोर निकालना होगा। जेड स्कोर कैसे निकालते हैं, ये हमारे पास स्टेटिस्टिक है और ये स्टैंडर्ड एरर है। तो स्टेटिस्टिक ऑफ स्क्यूनिस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू जी स्कोर। मैं रिपीट कर रहा हूं कि स्क्यूनिस के जो फॉर्मूला है, स्क्यूनिस देखने के लिए हमारे पास जेड स्कोर होना चाहिए, और जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या है, स्टेटिस्टिक ऑफ स्क्यूनिस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि जेंडर के लिए हमारे पास जो जी स्कोर है वो कैसा आ रहा है। तो हम इसको 1.64 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर है 0.456 वैल्यू हमारे पास आ रही है 3.5। तो जी स्कोर जो नॉर्मल रेंज है जी स्कोर का वो है 1.96 प्लस माइनस। अगर इस रेंज में स्कोर आ रहा है, ठीक है ना, तो ये डेटा स्क्यूनिस में आ रहे हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो फिर ये जैसे 3.5 है तो इट मींस कि जो नॉर्मल रेंज से जी स्कोर आउट है, तो इसलिए ये डेटा क्या है, ये स्क्यूड डेटा है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसी तरह कर्टोसिस के लिए हम निकाल रहे हैं, कर्टोसिस का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला होगा जी स्कोर निकालने के लिए, 1 डिवाइडेड बाय 0.887। सो अगेन द वैल्यू इज मोर देन 1.96 प्लस माइनस, ठीक है, तो इससे ज्यादा है, तो इट मींस कि दिस डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर जेंडर। इसी तरतीब से हम एज के लिए भी निकालेंगे। अब हम देखते हैं एक और टेबल की तरफ, टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी। अब इसमें दो चीजें, दो इस टेबल को अगर हम देखें तो यहां पर दो चीजें हैं, कोलमोरोगोव और शिफेरो विल्क टेस्ट, नॉर्मेलिटी टेस्ट। इस टेबल में हमें नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ती है, यानी जी स्कोर हमने निकालना पड़ता है, और उसके बेस पे हम कहते हैं कि आया हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। अब हम अगर इस टेस्ट को देखें, टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी को, तो इसमें एक है शिफेरो विल्क टेस्ट। शिफेरो विल्क टेस्ट का जो नल हाइपोथेसिस बनता है कि द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इसका नल हाइपोथेसिस बनता है। जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनता है, डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो फिर हम देखते हैं स्टेटिस्टिक देखते हैं, ये डीएफ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और ये सिग्निफिकेंस है। अगर हमारी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है या हमारी वैल्यू 0.05 से कम है, तो उसके बेस पे हम कहते हैं कि आया हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। तो उसके बेस पे हम फिर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं हमारी सिग्निफिकेंस जो वैल्यू है 0.000 है, तो इट मींस कि ये 0.05 से कम है। तो चूंकि 0.05 से कम है, इसलिए हम नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। और नल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो चूंकि वैल्यू 0.05 से कम है, इसलिए हम कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एंड दिस डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सिमिलरली एज के लिए अगर हम देखें तो ये है 0.006, क्या है 0.006, और यहां पर हमारी जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है 0.05 है, तो ये अगेन 0.05 से कम है। तो अगेन हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, एंड नल हाइपोथेसिस इज दैट द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस शिफेरो विल्क टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो
तो चूंकि 0.05 से कम है इसलिए हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया और डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसलिए चूंकि अब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इस पे जो हम टेस्ट पे लगाएंगे हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इस पे लगाएंगे। ये हिस्टोग्राम है जेंडर के लिए, इसमें एक और चीज होती है नॉर्मल क्यों क्यों प्लॉट्स ऑफ जेंडर। तो ये एक लाइन हमें नजर आ रही है कि अगर हमारी डेटा इस लाइन के ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, अगर हम इस हिस्टोग्राम को देखें इस ग्राफ को हम देखें और ये सर्कल इस लाइन पे सारी की सारी इस लाइन पे फॉल कर रही है तो इट्स का मतलब ये होगा कि हमारी डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। अब यहां पर चूंकि सर्कल इस लाइन को टच भी नहीं कर रही और इस लाइन से दूर है इसलिए हम कहते हैं कि दिस डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और क्योंकि फ्लोट्स भी हम नॉर्मलिटी को चेक करने के लिए देखते हैं कि आया हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, तो ये एक इम्पोर्टेंट था। इसी तरतीब से हम हिस्टोग्राम देखते हैं एज के लिए भी, ठीक है, ये डिपेंडेंट क्यों क्यों प्लॉट्स, तो ये नॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए हम शेफर-विल्क टेस्ट और जी स्कोर। तो अगेन हम थोड़ा सा समराइज करते हैं कि अगर हमारी वैल्यू जी स्कोर की वैल्यू प्लस माइनस 1.96 के दरमियान आ रही है तो उसके बेस पे हम देखते हैं कि आया हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, या शेफर-विल्क टेस्ट को हम देखते हैं और इसमें हम सिग्निफिकेंस को देखते हैं कि अगर हमारी वैल्यू 0.05 से कम है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, अगर 0.05 से ज्यादा है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, और अकॉर्डिंग टू शेफर-विल्क टेस्ट इफ द वैल्यू इज मोर देन 0.05 सो द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। थैंक यू सो मच।